अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स थे उनके बारे में बताया था ब्रीफली, ठीक है। जिसमें से वेरी फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में अच्छे तरीके से ब्रीफली उसको कर चुके हैं, ठीक है। उसका जो सेकंड तरीकाकार था, यानी मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि 1.1 में जो लास्ट क्वेश्चन है उसका, उसमें भी हमने बड़ा ब्रीफली उसको पढ़ लिया है, उसको अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट मेथड था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है, वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक्सरसाइज 1.2 में बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तीसरा मेथड है उसको जरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है तो कुछ इस तरह का फार्मूला होगा, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root over 2a। ये हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तीसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट डाउन किया है, ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स यूज हुए हैं, जिसमें एक b है, एक a है और एक c है, ठीक है। ये हमें कहाँ से हासिल होनी है? अब अगर आप पिछले लेक्चर्स में अगर आपने अटेंटिवली सुना हुआ है तो उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म राइट डाउन की थी। उसमें स्पेसिफिकली x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक मेंशन किया था, एक x का कोएफिशिएंट मेंशन किया था और एक कांस्टेंट टर्म मेंशन की थी, जिससे आपको पता चल जाएगा बेसिकली ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसमें a, b एंड c की जो वैल्यूज आपने पुट करनी है वो बेसिकली आनी कहां से है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे आपको पता चल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं दोबारा से राइट डाउन करूं तो वो कुछ इस तरह थी, अगर आपको याद हो तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या नतीजा मिलता है कि आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको नजर आएगी तो उसमें आपने क्या करना है कि जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा कोई भी होगा, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, यानी कि जो भी कोएफिशिएंट आपको x स्क्वायर का आपको नजर आता है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। इसी तरह जब हम आते हैं x के कोएफिशिएंट पे, वो भी कोई भी रियल नंबर की शक्ल में हो सकता है, तो वो कोई भी किसी भी साइन के साथ हो तो वो बेसिकली v के इक्वल होगा। और फाइनली हमारे पास अगर जो कांस्टेंट टर्म एंड पे, यानी कि जो बगैर वेरिएबल के लिखी जाती है विदाउट एनी वेरिएबल, वो अगर कोई टर्म या कोई रियल नंबर उधर होगा तो वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पर इधर एक इक्वेशन राइट डाउन करता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको सबसे जो सिंपल एग्जांपल है उसमें यही है कि सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है, सबसे बड़ी डिग्री जो उसमें होती है वो 2 होती है, ठीक है। वो आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने बड़ा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि जो पीछे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने किसके इक्वल का है, ए के इक्वल का है। तो इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट किस क्या है, 3 नजर आ रहा है आपको, 3, यानी x के लेफ्ट पे जो रियल नंबर दिया है वो क्या दिया है, 3। इट मींस कि अगर इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसमें a किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, ठीक है। इसी तरह b किसके इक्वल आ जाएगा, अब आपको पता है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो b के इक्वल है, तो x के कोएफिशिएंट इधर आपको क्या नजर आ रहा है, 7। तो इट मींस b किसके इक्वल आ गया, 7 के। और इन द एंड हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जो विदाउट एनी वेरिएबल है, यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ, वो c के इक्वल होगी, तो वो आपको क्या नजर आ रही है, 9। c इक्वल टू आ गया आपका 9। सिंपली आपने क्या करना है कि a की जगह इस फॉर्मूले को आपने राइट डाउन करना है, जहां जहां a होगा वहां वहां आपने 3 पुट कर देना है, जहां b होगा वहां 7, और इसी तरह जहां c होगा वहां 9। तो सिंपली आपने उस पूरे के पूरे फैक्टर को सॉल्व करना है, जिसकी जो पावर होगी प्लस माइनस करके फाइनली स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हुए आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है।
इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी बड़ा इजी है, ठीक है। एज कंपेयर टू फैक्टराइजेशन, मेरे मुताबिक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो उनसा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तीसरा मेथड है, इससे अगर आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बजाते उसके मुकाबले में इजी है फैक्टराइजेशन के मुकाबले में, ठीक है। तो हम फाइनली एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। उसमें जो इसकी जो बेसिक थी वो मैंने कोशिश किया कि आपको ज्यादा हद तक अच्छे तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो फाइनली हम एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो कि आपकी बुक पे अगर आप देखें तो वो लिखी होगी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, आपने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस मेथड के तहत सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने राइट डाउन किया वो है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अगर उसको देखें तो सबसे पहले x² की टर्म आती है, फिर x की टर्म आती है, फिर इन द एंड बगैर x के यानी कांस्टेंट टर्म आती है। यानी कि अगर आप इसको देखें तो हमारे पास एक इरेगुलर वे में वैल्यू दी गई है, इसको आप पहले अरेंज करेंगे, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू है वो पहले आएगी, यानी x² वाली पहले आ जाएंगी, उसके बाद x वाली आएंगी, इन द एंड हमारे पास बगैर x की टर्म्स आएंगी, फिर उसके बाद आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -x², ठीक है, x² वाली सबसे पहले, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसको देखते हुए। तो उसके बाद हमारे पास x वाली टर्म आएगी जो कि आपको पता है इक्वल के उस तरफ है, तो जारी सी बात है उसको x² के बाद जब लेके आना है तो फिर इक्वल के इस तरफ लाना पड़ेगा। इधर +7x है क्योंकि लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो प्लस की होती है, +7x जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -7x, और ऑलरेडी उधर एंड पे क्या मौजूद है हमारे पास 2, इक्वल के उस तरफ ही है, +2 इज इक्वल टू जो +7x है, जब इधर आ गया तो इधर इक्वल के क्या बचा, 0, ठीक है। ये हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब मजीद इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने से पहले, जैसे कि आपने पीछे फैक्टराइजेशन के भी क्वेश्चन किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से जब आप सॉल्व करते थे तो उसमें जो वेरी फर्स्ट स्टेप आप ये मेक श्योर कर लेते थे कि आया कि हमारे पास x² का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में है कि नहीं। अब देखें तो इधर हमारे पास x² का कोएफिशिएंट किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आया कि आपने उसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है या आपने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x² का कोएफिशिएंट है यानी जो x² के लेफ्ट पे कोई भी रियल नंबर है वो हमेशा किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। उससे ये होता है कि क्वेश्चन को करने में मजीद आगे से कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ता। तो इसमें जारी सी बात है x² का कोएफिशिएंट इधर आपको माइनस में नजर आ रहा है, तो अब इसको प्लस में कन्वर्ट करना यानी कि इसकी साइन को चेंज करना है। तो जारी सी बात है जब आप किसी एक सिंगल वेरिएबल की साइन चेंज करना चाहते हो तो वो उसको नहीं सिर्फ चेंज करते, आप पूरी की पूरी इक्वेशन की साइन चेंज कर देते हो। तो आपने इस पूरी की पूरी इक्वेशन की साइन चेंज करनी है जस्ट इस x² के कोएफिशिएंट को प्लस करने के लिए, ये आपका बेसिक मकसद है इसमें। तो आपको पता है कि जब भी किसी भी इक्वेशन की साइन चेंज करनी हो या किसी भी वैल्यू की साइन चेंज करनी हो उसके अंदर से माइनस आप क्या करते हो, कॉमन ले लेते हो, ठीक है। माइनस को आप कॉमन लोगे इसमें से तो जो -x² था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, +x², इसी तरह -7x किसमें कन्वर्ट हो गया, +7x में, और जो +2 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, -2 इक्वल टू 0। इसी तरह माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी कॉमन टर्म आप बाहर निकालते हो बेसिकली वो जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म होती है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो है -2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको मजीद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी पीछे लिखा है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर 2a।
ठीक है। अब ये हम फार्मूला कर रहे हैं इस्तेमाल, तो इसमें हमारे पास जो ए बी एंड सी डिफरेंट थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, वो हमें बेसिकली हासिल किधर से होनी है, वो हमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हम जिसको यूज कर रहे हैं, जिसको सॉल्व कर रहे हैं, उसी के अंदर से हासिल होनी है। तो आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अब आप इधर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है जब कोई कोएफिशिएंट ना हो तो क्या होता है, वन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल है, ए के, तो ए किसके इक्वल आ गया, वन के। इसी तरह जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, बी के, तो बी किसके इक्वल आ गया, 7 के। और इसी तरह जो एंड पे बगैर एक्स के वैल्यू दी गई है, यानी कांस्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं, वो सी के इक्वल है, तो सी किसके इक्वल आ गया, माइनस 2 के। अब इसमें एक चीज जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि साइन को मेंशन नहीं करते। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्लस साइन अंडरस्टूड बात होती है कि वो अगर मेंशन ना हो तो प्लस ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस किसी के साथ है, किसी भी कोएफिशिएंट के लेफ्ट पे अगर माइनस आ रहा है तो वो हमेशा मेंशन करना है। माइनस अगर नहीं लगाओगे एक सिंगल माइनस की वजह से, आप बेशक आगे मेथड सारा का सारा सही अप्लाई करो, वो आपका सारा का सारा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको आपने अच्छे तरीके से पहले मेक श्योर कर लेना कि हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, आया कि उसमें कोई कोएफिशिएंट या कोई ऐसी कांस्टेंट टर्म माइनस में है कि नहीं, क्योंकि माइनस को आपने हमेशा मेंशन करना है। अब ये दोनों प्लस की थी, इनके साथ मैंने कोई साइन मेंशन नहीं की, ए की जगह 1 आ गया, बी की 7 आ गया, और C की जगह -2, उसके साथ माइनस था तो वो मेंशन किया। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में A की जगह A की वैल्यू पुट कर देंगे, B की जगह B की, और C की जगह C की वैल्यू। X is equal to X, क्यों लगाया हमने, बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल X इस्तेमाल हो रहा है। जो वेरिएबल आपका इस्तेमाल हो रहा होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला आप उसके इक्वल रख लोगे, ठीक है। अब -B, माइनस वैसे ही आ गया उसका एज इट इज, बी किसके इक्वल है, बी की जगह क्या आ गया, 7 आ गया, प्लस माइनस वैसे ही रहा, बी का स्केयर है, बी किसके इक्वल है, 7 का, तो बी की जगह 7 आ जाएगा, तो ये किसका, 7 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। बी का स्केयर है तो बी की जगह 7 का स्केयर, माइनस 4ac, 4ac तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस 4 वैसे ही रहेगा, ए की जगह क्या आ गया, 1, और सी की जगह क्या आ गया, -2, ठीक है। ऊपर इनके अंडर रूट है, ओवर 2 a किसके इक्वल है, 1 के, यानी कि जहां जहां आपको a नजर आ रहा था वहां वहां आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, p की जगह b की, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -7, प्लस माइनस 7 का स्केयर किसके इक्वल है, आपको पता है जब भी किसी वैल्यू को आप स्केयर लेते हो तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7s क्या आ जाएगा, 49। अब ये माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1s are 4 और 4 2s are क्या आ गया, 8, ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट, ओवर 2 1s are 2। एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में से 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 57, ऊपर क्या आया, अंडर रूट, ओवर 2। अब देखें क्वेश्चन जब आपका यहां तक पहुंचेगा तो आपने उसके बाद जारी सी बात है किसको सॉल्व करना है, स्केयर रूट वाली टर्म को सॉल्व करना है। यानी कि आपको पता है कि स्केयर रूट वाली टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, कि स्केयर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसके फैक्टर्स बनाते हैं, उनमें से कुछ फैक्टर्स के स्केयर लेते हैं, अगर कैंसल आउट होता हो स्केयर रूट से तो कैंसल आउट करके कुछ वैल्यूज रियल नंबर स्केयर रूट के बाहर आ जाते हैं, कुछ रियल नंबर स्केयर रूट के अंदर आते हैं, या टोटली स्केयर रूट कट जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे जो बेसिक चीज ये है कि जो भी स्केयर रूट के अंदर नंबर आ है उसके फैक्टर बनने चाहिए, यानी कि वो एक प्राइम नंबर ना हो, वो किसी ना किसी के टेबल में आता हो ताकि उसके एक फैक्टर्स बने, 4 से 5 या ज्यादा फैक्टर्स बने, जिससे हमारे पास फैक्टराइजेशन की मदद से किसी भी दो टर्म्स के स्केयर या कोई भी क्यूब आप लेके स्केयर रूट को काटो। तो फिलहाल जो हमारे पास इस वक्त आप देखें तो स्केयर रूट के अंदर 57 आ रहा है, 57 का अगर हम एलसीएम ले तो देखते हैं किसी के टेबल में आता है कि नहीं, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 7 एंड पे, 3 के देखते हैं, 3 1s are 3 2 कैरी किया तो क्या आ गया, 3 9s are 27 तो आ गया 19 1s are 19, यानी ये 3 और 19 दो टेबल्स में आ रहा है। तो अगर आप इसको फैक्टर बनाते भी हो 3 एंड 19, तो मजीद उसका ना तो स्केयर रूट ऊपर से कटेगा, क्योंकि ना तो आप 3 का स्केयर ले सकते हो ना तो आप 19 का स्केयर ले सकते हो, क्योंकि किसी भी टर्म का स्केयर लोगे तो स्केयर रूट ऊपर से कटेगा। तो इट मींस कि इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, यही आपका आंसर इसका कंसिडर होगा, क्योंकि 57 के फैक्टर्स नहीं बनते,
57 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो यही आपका फाइनली आंसर होगा। बेसिक मकसद यही है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे वैल्यू को सॉल्व करना है। आगे जो भी मेथड है वो अंडरस्टूड है, आपको आता है, यानी कि सिंपल आपकी फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इसके जो मजीद आगे से क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से ब्रीफली करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।